होते हैं V2, V3, V4, इसको हम नॉन फाइनाइट्स की श्रेणी में, और एक चैप्टर ही हम अलग लेने वाले हैं नॉन फाइनाइट, इसमें हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अभी आपका ध्यान इन तीनों से हट करके केवल V1 और V5 पर जाना चाहिए, क्योंकि V1 प्लूरल है, V5 सिंगुलर है, और उसी की चर्चा इस पूरे चैप्टर में हमें करनी है। तो इस दूसरे नियम से कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इस नियम को सत्यापित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जैसे दे किल टाइम, किल हमारा वर्ब है, दे जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो निश्चित रूप से इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स देंगे उसमें सारे वर्ब प्लूरल होंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं सिंपल प्रेजेंट का, दे किल टाइम, दे प्लूरल, किल प्लूरल, चूंकि किल वर्ब का V1 है, ये हमेशा प्लूरल होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, दे आर किलिंग टाइम, दे प्लूरल, तो आर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, इज नहीं लगा रहा हूं मैं इसमें, तो दे इज क्यों नहीं होता, इसका नियम यहां से निकल रहा है कि चूंकि दे प्लूरल है इसलिए उसमें सिंगुलर वर्ब लग ही नहीं सकता, जब लगेगा तो प्लूरल। जैसे दे आर किलिंग टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट में दे हैव किल टाइम, हैव का सिंगुलर हैज होता है, लेकिन चूंकि दे प्लूरल है इसलिए हम हैज नहीं लगा सकते, हैव ही लगाना होगा, तो दे हैव किल टाइम। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वहां देखिए दे हैव बीन किलिंग टाइम, हैज बीन नहीं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसमें एक ही टेंस हमारी मदद के लिए आता है और वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो होगा दे वेयर किलिंग टाइम। और इन पांचों एग्जाम्पल्स के द्वारा ये नियम पूर्णतः सत्यापित हो गया, जस्टिफाइड हो गया कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आपको रखना होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये सारे शुद्ध वाक्य हैं जिनको लिखा भी जा सकता है, जिनको बोला भी जा सकता है, और जिनको इम्तिहान में जांचा परखा भी जा सकता है। तो इस तरह से ये दो जो नियम हैं, इन नियमों को हम लोगों ने सत्यापित किया। अब इन दो नियमों से बहुत सारे नियम निकलते हैं, नियम दो ही हैं याद रखिएगा, नियम अधिक नहीं हैं, सिचुएशंस आपके सामने अब आने जा रहे हैं अलग अलग, और उन सिचुएशंस में आपको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो निश्चित रूप से फिर वही नियम कि तो वर्ब भी सिंगुलर देना होगा, आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आपको लगाना होगा। और इन्हीं दो बातों को, मूल दो यही बात है, मूल दो यही नियम है, और इन्हीं नियमों को डिफरेंट सिचुएशंस में हम चेक करते चलेंगे, देखते चलेंगे।